Hello everyone. Hello. Just in case you know, my name is Payal Nair. Okay, and let's have it a very informal kind of a afternoon. So, journey ऐसी है कि मेरी जिंदगी का सबसे पहला रोल एक बॉटल था. जी, मैं किंडरगार्टन में थी, केजी में थी दिल्ली में, और मुझे एक बॉटल का रोल दिया गया था जिसमें मुझे बॉटल बनना था स्टेज का. कोई आइडिया नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा. मम्मी ने तैयार किया और ग्रीन कार्डबोर्ड से पूरा लपेट दिया और बॉटल का ढक्कन लगा दिया सर पर उसका कार्डबोर्ड काट के. आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं स्टेज पे थी और बहुत सारे लोग वहाँ सामने खड़े थे. मेन रोल नहीं था. मेरे ख्याल से शायद मेरी एक्टिंग के करियर की शुरुआत उसी वक्त से हो चुकी. इतना भी पता था कि आगे जाके क्या होगा मालूम नहीं था, बट वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा था क्योंकि मुझे वो आज भी याद है. धीरे धीरे पढ़ाई पूरी की, अपना कॉलेज में थिएटर किया, स्कूल में थिएटर किया, प्लेज लिखे भी, अवार्ड्स भी जीते, और फिर कॉलेज में भी काफ़ी काम किया मैंने. और जब कॉलेज से निकली तब दिमाग में था कि एक्टिंग तो पसंद थी और लोगों से जो एप्रिसिएशन मिल रही थी उससे ये भी समझ में आ रहा था कि हाँ आप अच्छे एक्टर हो, बट वो करियर बनेगा या नहीं उसका किसी को पता नहीं होगा. एंड मैंने सोचा था कि एक अच्छी खासी नौकरी करूँगी और साथ में थिएटर करूँगी दिल्ली में, कि जो एक एक्टिंग का कीड़ा है वो भी चलता रहेगा, वो भी सेटिस्फाई होता रहेगा और अपना कमाई भी होती रहेगी. बिकॉज इफ यू सी लाइक यू नो ऑलमोस्ट 25-30 साल पहले एक्टिंग एज अ करियर वॉज नॉट सच अ वेलकमिंग करियर. मतलब मम्मी पापा को भी बोलती कि नहीं मुझे एक्टर बनना है तो कहते कि बेटा नहीं तुम काम वाम करो ज़्यादा है, शादी वादी हो जाएगी और घर संभालना, फिर सब एक्टिंग वैक्टिंग गई. बट थैंकफुली माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव थी. दे नेवर सेड थिएटर भी कर रही थी तब भी नहीं, वो प्लेस देखने आए उनको भी लगा कि हाँ कुछ तो लड़की में बात है कर रही है. सो अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मैंने एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन से कोर्स किया YMCA से. वहाँ पे एक्चुअली इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ आई वुड से. वहाँ पे एक थिएटर वर्कशॉप होती थी, वहाँ मेरे जो गुरु हैं माय थिएटर डायरेक्टर अशोक पुरा वो वर्कशॉप ले रहे थे, तो अनाउंसमेंट थी वैसे ही कि जो जो आना चाहता है आए और करने वाले. सो दैट्स हाउ आई वेंट इन. एंड जब मेरी उनके साथ एसोसिएशन शुरू हुई, हमने प्लेस किए, फिर उन्होंने एक दिन मुझे किताब बताई. वो किताब थी ऑरेना पैलेची राइटर है, अ लेटर टू अ चाइल्ड नेवर बॉर्न. इस पर फिल्म भी बाद में बनी है, क्या कहना, जिसमें प्रीटी ज़िंटा था. इट वॉज ऑल अबाउट अ मदर, अनवेड मदर, जो कि अपने बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती. तो ये मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसकी भी स्टोरी है. क्योंकि जब मैं बाद में मुंबई आई तो जब लोगों मैंने थोड़ा जब ये नाटक किया था उसके बाद किसी को पता लगा तो बुक मेरे पास थी. तो उस वक्त कुंदन शाह के असिस्टेंट जो थे वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमें वो बुक दे दीजिए क्योंकि हम उसमें फिल्म बना रहे हैं और आपको कुछ टिप्स भी चाहिए. तो फिर मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं तो शायद इतना नहीं आपको कर पाऊँगी, लेकिन आप मेरे जो डायरेक्टर हैं उनसे बात कीजिए. सो एनीवे, सो उस कमिंग बैक टू दैट, सो हमने वो प्ले उर्दू में किया, इंग्लिश में नहीं उर्दू में किया. उर्दू बहुत ही खूबसूरत जबान है लेकिन उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है क्योंकि दिल्ली में जो थिएटर सीन है मुंबई से बहुत ही अलग है. वहाँ अगर आपको जबान की आपके पास पकड़ नहीं है तो वो आपको मतलब उसके लिए आपको वो मतलब कुछ भी रिव्यूज देते हैं. तो उसके लिए मेरी 6 महीने ट्रेनिंग हुई उर्दू का. अच्छे से मैंने लहजा सीखा, सारे उसमें जितने भी नुस्खे वगैरह थे सब बुक किया. एंड इट वॉज अ मोनोलॉग. सो उस बुक में जितने भी कैरेक्टर्स थे, तो एक मेन प्रोटैगनिस्ट थी जिसका जो उस प्रेगनेंट जो बिना शादी के प्रेगनेंट हो गई है, उसकी जिंदगी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके माँ बाप हैं और अगर सोशल स्टिग्मा था कि अनवेड मदर है, वो सारे मैंने उसकी ट्रेनिंग ली. एवरी कैरेक्टर का मैनरिज्म सीखे सब कुछ, तो उसमें कम से कम 6 महीने लगे. हमने वो प्ले तैयार करके रखा एंड इट इज रिसीव वेरी वेल. सो देयर वर रिव्यूज एंड ऑल. अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया तब था नहीं, सो आई कुड पोस्ट क्लिपिंग्स ऑफ पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया, बट इट वॉज रिटन एंड रिसीव वेरी वेल.
सो वहां से फिर यही हुआ कि ऐसा लगा कि नहीं नहीं अब तो एक्टिंग ही कर रही है। एक मुकाम ऐसा भी आया जब मुझे नौकरी के लिए बड़े ऑफर्स आ रहे थे, बिकॉज उससे पहले मैंने एक बार बिहाइंड द कैमरा प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम भी किया था। तो NDTV में मेरी फ्रेंड थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ओपनिंग्स हैं, आप आओ कर। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं अपना रिज्यूमे लेके खड़ी थी वहाँ जाने के लिए इंटरव्यू के लिए। एंड इट माइट साउंड वेरी फिल्मी टू यू गाइस, बट देयर इज अ मिरर इन फ्रंट ऑफ मी, आई वाज गेटिंग रेडी और मेरे हाथ में मेरा रिज्यूमे था। मैंने खुद को देखा शीशे में और मैंने पूछा खुद से सवाल कि क्या मैं वाकई ये नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि एक बार मैंने नौकरी की, हर महीने जो मेरे पास सैलरी आएगी वो बहुत कंफर्टेबल होगी, बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद जो मेरा सपना है या जो मेरा पैशन है जो मैं करना चाहती हूँ, वो शायद मैं ज़िंदगी में दोबारा नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि क्या कहते हैं ना कि एक बार आप कंफर्टेबल हो गए तो फिर आप वो रिस्क नहीं ले सकते लाइफ में, और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने सीखा। अंदर से आवाज़ आई, नहीं मैं ये काम नहीं करना चाहती, मुझे एक्टिंग करनी है और उससे रिलेटेड जितना भी काम हो रहा है दिल्ली में मुझे वो करना है। और आप ट्रस्ट कीजिए, मैंने वो रिज्यूमे फाड़ के फेंक दिया। मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया कि मैं नहीं करना चाहती, चीजें ओके आई अंडरस्टैंड। उसके बाद मैंने जितना भी दिल्ली में टेलीविजन में काम था वो किया, थिएटर बहुत किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे लिए जो एक ग्राउंडिंग वर्क है वो थिएटर से मेरे लिए एज एन एक्टर आएगा। और खासतौर से उस वक्त टेलीविजन में इतना काम भी नहीं हो रहा था, मैंने एज अ रेडियो जॉकी काम किया और इंडियन रेडियो में लाइव शोज किए दूरदर्शन पे। सो ऑलमोस्ट लाइक 3-4 साल मैंने सब सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर किए, खुद को तैयार किया कि मैं एज एन आर्टिस्ट के पूरा, जैसे कहते हैं ना कि आप थिएटर में भी कर रहे हो, आप रेडियो भी कर रहे हो। रेडियो का फायदा ये हुआ कि मुझे लिखने का चांस मिला, क्योंकि रेडियो जितने भी रेडियो जॉकी हैं प्रोग्राम्स करते हैं, यू हैव टू राइट योर ओन स्क्रिप्ट, आपको रिसर्च करना पड़ता है म्यूजिक को लेकर, क्योंकि आप गाने प्ले कर रहे हैं वैसे। तो वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आपको, आप दिख नहीं रहे हो लेकिन आपको आवाज के साथ खेल रहा है। तो एक तरफ तो जो आपका स्टेज है वो आपको एज अ होलिस्टिक परफॉर्मेंस करता है, उसमें तैयार करता है, लेकिन रेडियो आपको आपकी आवाज का कैसे अच्छा यूज किया जाए उसमें तैयार करता है। तो वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करियर था उस वक्त, मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड था और जो मेरे को बाद में बहुत यूज हुआ। और खासतौर से मैं उनके लिए भी बोलना चाहती हूँ कि जो से बहुत सारे एक्टर्स ही हैं जो बाद में जाके बहुत अच्छे वॉइस ओवर्स करते हैं, तो उनके लिए वो बहुत ही अच्छा थिएटर, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। खैर, तो सारे एवेन्यूज कंप्लीट किए, सब खत्म किया। फिर एक दिन सोचा कि भाई अभी दिल्ली में तो कुछ ऐसा बचा नहीं है, तो चलो मुंबई आई। मैं अपनी फ्रेंड के साथ दहीसर में रह रही थी, मुझे आज भी याद है। और मेरी सबसे पहली मीटिंग, जो कि मुझे, मैंने जितना भी टेलीविजन या फिल्म देखा था तो मुझे लगा था मुझे फिल्म करनी है, लेकिन कैसे क्या करना है कोई आइडिया नहीं। तो सबसे पहली मीटिंग मुझे याद है मैंने जो की थी, वो थी शाम बेरिंगर के साथ। मैंने उन्हें फ़ोन किया, तब मोबाइल थे नहीं, पेजर्स आए थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया और उनके सेक्रेटरी ने उठाया और मैंने बोला कि भाई मैं थिएटर से हूँ, दिल्ली से हूँ, मिलना चाहती हूँ। और उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया। मैं दहीसर में रहने थी और उनका ऑफिस था अपना बॉम्बे सेंट्रल में, मुझे याद है। और वो मेरी लाइफ की पहली मेट्रो, अपनी पहली लोकल जर्नी। मैं आराम से स्टेशन में घुसी और मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर जाके खड़ी हो गई। मैं आज मैंने देखा मैंने टिकट तो लिया ही नहीं है, मैं शायद ट्रेन में मिल जाएगा टिकट। तो आस पास जो लोग खड़े थे, मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा मैं टिकट कहाँ मिलता है, तो मैंने कहा आपने बाहर टिकट क्या, मैंने कहा नहीं मुझे लगा ट्रेन में मिल जाएगा, किसी नहीं। और मैं जैसे ही वापस जाने लगी बाहर, एज माई लक वुड हैव इट, TCO स्टैंडिंग राइट देयर स्टेयर्स के पास, और उनको समझ में आ गया कि लड़की के पास टिकट तो है नहीं। उन्होंने मुझे वहीं पर रोक लिया, मैडम टिकट, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं नहीं आई हूँ मुंबई में, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा ट्रेन में मिल जाएगा, मैं टिकट वापस लेने जा रही थी। टिकट तो आपको बाहर से ही लेना था, अब आप फाइन पे कीजिए। फाइन दिया,
Fair. But I'm just saying that was also part of my journey. I met and I met Mr. Shyam Benegal. Fair. So I met my maybe 32 years ago. I was But एक बार मिलने का मौका मिला धीरे धीरे फिर सोचा कि क्या करना है बट एज आई वाज टेलिंग संतोष जी ऑल्सो प्रोबेबली आई हैड अ बिगिनर्स ना क्योंकि जब मैं मुंबई आई तो मैंने सबसे पहली फिल्म साइन की विच वॉज जंगल रामगोपाल वर्मा की बहुत सारे दिल्ली के कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके दोस्त होते हैं जो कि आपसे पहले मुंबई आ गए होते हैं तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि भाई काम हो तो बताना तो उनमें से जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो मेरे थिएटर गुरु के फ्रेंड थे तो उन्होंने बोला कास्टिंग चल रही है आप जाके मिलके आओ तो मैं गई मैं मिली एक छोटा सा ऑडिशन हुआ और आई गॉट अ रोल इन जंगल नाउ जंगल वाज ऐसे कहूँ तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा ब्रेक है क्योंकि इट वॉज अ बिगनर्स लक उस फिल्म में मैंने डांस भी किया मैंने गाने भी गाए इट वॉज बेस्ड ऑन वीरप्पन की स्टोरी पे थी सुशांत सिंह जो हैं वो वीरप्पन परफॉर्म कर रहे थे और उसमें बड़ी अच्छी ऑनसेंबल कास्ट थी कि कौनवर जा रहा है हमारा जंगल में और वहाँ उनको अटैक कर लिया जाता है उनको किडनैप कर लिया जाता है होगा स्टेज पे होगा या फिर फिल्म में होगा बट इट वॉज आई वुड से दैट इट वॉज अ बिगनर्स लक एंड बहुत सीखने को मिला जैसे आपने देखा इतने अच्छे अच्छे दिग्गज एक्टर्स हैं इस फिल्म में और रामगोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर उनके साथ पहली फिल्म बट मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे कहते हैं ना हाँ वो एक नर्वसनेस एक आपको प्रोजेक्ट मिला है वो सब है लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर के साथ इतने एक्टर्स के साथ काम करने वाली हूँ और द रीज़न आई एम टेलिंग यू मे बी बिकॉज उससे पहले जो मेरी जितनी भी ग्राउंडिंग स्टेज पर और जो मैंने लोगों के साथ काम किया था या रेडियो पे या टेलीविजन पे उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि और एक ऑफकोर्स ये आपका पैशन तो है आपको पता है कि आप यही करना है और इसी को करने के लिए आए और आपके पास कोई प्लान बी नहीं है लाइफ में आप दिल्ली से या किसी भी शहर से आप जब आते हो अपना घर बार छोड़कर तो आप यही है कि बस यही करना है और एक जैसे कहते हैं ना कि मछली की आँख है तो वो आँख है और उसमें फिर आपको जितना जैसे काम मिलता जाए वो आपकी किस्मत भी है आपका टैलेंट भी है तो दैट वॉज इट आफ्टर दैट आई डिड लॉट ऑफ टेलीविजन नाउ कहने को थे कि फिल्म करनी तो उसके बाद मुझे फिल्म टेलीविजन करने की क्या ऐसा नहीं है टेलीविजन गेव मी गुड मनी टेलीविजन ट्रेन मी एज एन एक्टर टेक्निकली क्योंकि फिल्म में नहीं होता इतना फिल्म में आप मतलब जो भी आपका 8-10 दिन का काम है या जो भी है वहाँ पे सारे बड़े बड़े सिनेमाटोग्राफर टेक्नीशियन सारे अच्छे थोड़ा बहुत बता देंगे लेकिन वैसे कोई आपको सिखाएगा नहीं लेकिन जो टीवी में आपको सीखने का मौका मिलता है बी एक्टिंग बी टेक्निकली दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल और जो कि बहुत ज़रूरी है
क्योंकि वो एक दौर आया था जब मैंने कम से कम लेकर बच्चे से प्लीज शोज किए थे, बीच में फिल्में भी, बट उसमें सबसे ज्यादा था कि आपको पता ही टीवी में डेडलाइंस होती हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको स्क्रिप्ट पर काम करने का इतना मौका मिले। वहाँ मेरी थिएटर एक्टिंग भी काम आई बिकॉज आई वॉज वेरी यूज टू लर्निंग द लाइन्स वेरी वेल, क्योंकि जितना भी आपने थिएटर किया है वहाँ पर आपको रिहर्सल करनी पड़ती थी दो दो तीन महीने की। जो मैंने मोनोलॉग किया था उसमें मैं स्टेज पे अकेली थी दो घंटे, मेरे साथ कोई हार्डली देवर एनी प्रॉप्स, मेरे साथ कोई को एक्टर था जो मुझे क्यू देगा, मतलब कोई क्रचेस नहीं थे मेरे पास, तो वो चीज़ मेरी फिर बाद में टेलीविजन में काम आई, क्योंकि डायलॉग्स आप अच्छी तरह से याद करते हो, आपको वक्त मिलता है मेकअप रूम में बैठ कि आप डायलॉग अपने कैरेक्टर को समझो, वो आपको होमवर्क खुद ही करना पड़ता है। टेलीविजन जैसे आते वहाँ इतने लोग नहीं होते कि जो आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे वो टाइम, तो वो सारी चीज़ें मेरे को तब मुझे बहुत ज़्यादा काम आई। दूसरी चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी वॉज टेलीविजन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, सबकी एक अहमियत है, सबकी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये कहना कि मैं एक्टर हूँ और बाकी सारे ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पर आप एक ऑब्जर्वेशन से आप सीखते हो कि लाइट कैसे लेनी है, कौन सा एंगल आपके लिए सही है, क्या मार्किंग है, ये सब है। लेकिन हर इंसान जो वहाँ काम कर रहा है वो पूरी ईमानदारी से अपनी जॉब कर रहा है और उनसे आपको वहाँ सीखने का मौका मिलता है। तो मेरे लिए यही था कि मैंने और अपने को एक्टर्स हैं, इतना टाइम आप 12-12 घंटे आप सेट पे गुजारते हो, उनके साथ बैठते हो, उनसे बातें करते हो, उनको काम करते देखते हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी एक लर्निंग ग्राउंड है कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप वो देख रहे हो, आपसे बड़े एक्टर्स जो हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्टर्स जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। मेकअप जैसी चीज़ है, आप अपना मेकअप, जब मेकअप दादा आपका मेकअप करते हैं कहते हैं कि अपने से अच्छा फेस किसी को नहीं पता, आपको पता है कि आपके फेस में क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, कौन सा एंगल बेस्ट है, लेकिन आप वो भी सीखते हो। हमें शुरू से में डर लगता है कि हम कैसा मेकअप करेंगे, बट जब दादा मेकअप कर रहे हैं तो आप मेकअप भी सीखते हो, क्योंकि एज एन एक्टर आपको मेकअप भी आना चाहिए, क्योंकि कल आप ऑडिशन पर जाएंगे तो मेकअप दादा कोई होगा नहीं, आपको खुद ही अपना मेकअप करना पड़ेगा। आज तो थैंकफुली देयर सो मेनी यूट्यूब वीडियोज के आप सर्च करो और आपको पता लग जाएगा कि बेसिक मेकअप कैसे करना है, but when we came in this life there was no videos to help us, so what I'm trying to say ki ek jagah wo bhi hai ki itna social media aur itni cheeze aaj aapke liye available hai karne ke liye, but yet keep learning, that was very very important. Maine ek aur film ki thi Sorry Bhai, Onil director Onil ne unki thi aur humne Mauritius mein shoot kiya tha uska bhi maine, mere ek friend uske liye lyrics likh rahe the film ke liye aur maine unko bola ki main director se milna chahti hu, to main bhi honor se mulaqat hui aur ek chota sa audition diya and I was on, so it was a very good film where it had Baba Nirani, Shivan Azmi, who were really inside it. Unfortunately I don't have a clip right now and it was again a wonderful experience. Aur jo Onil ke first AD the, मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ आपकी, वो आज इतने सालों बाद हमने काम किया था तब, वो स्त्री और बाला के डायरेक्टर हैं अमर कौशिक। सो पीपल यू वर्क इन द इंडस्ट्री, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे वो डीओपी के असिस्टेंट हो, कोई भी लोग हो, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर जॉब, ऑलवेज हैव अ रिस्पेक्ट फॉर दैट दोज पीपल आल्सो, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कौन कल कहाँ जाकर बड़ा बन जाएगा ये आपको उस वक्त नहीं पता। और I think it's also to have that relationship which you make अपने शुरुआत के करियर में, क्योंकि वो अच्छे रिलेशनशिप बाद में जाकर काम भी आते हैं। So this I'm telling you as not just, it's all part and parcel of being an actor. One thing again which when you don't have work, you know, जब आपके पास एक लल पीरियड आता है, मेरे पास भी आया कई, मुझे कई बार अच्छा काम नहीं मिला जो जैसा मैं करना चाहती थी, उस दौरान मैं हम इमोशनली इतने ज़्यादा लो हो जाते हैं, क्या करें। फिर मेरे को यही हुआ कि आई कैन गो बैक टू थिएटर एंड डू दैट। उसमें तो ऑडिशन का इतना वो नहीं है, मैंने दो लोगों को फ़ोन किया कि जो प्लेज हो रहे हैं, एंड अगेन आई वेंट बैक इन मुंबई, मैंने दिनेश ठाकुर थे उनके साथ, उनका थिएटर था, उनके साथ किया, माबानो मोदी कोतवाल है उनके साथ थिएटर किया। The point I'm saying is that never stop your learning process. आप लोग आज यहाँ पर हैं,
आप अपना फुल टाइम पार्ट टाइम एडवांस कोर्स इनिशियल कोर्स जो भी कर रहे हैं उसके बाद आप जाएंगे काम करेंगे 5 सीरियल 10 सीरियल आप चाहे कितने भी सीरियल कर लीजिए बट नेवर स्टॉप लर्निंग। एक टाइम ऐसा आया जब मेरे को लगा मेरे करियर में जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारा काम किया नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ बट एक स्टैग्नेंट हो रहा है सर ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पर जैसे आप हैं आप लोग काम कर रहे हैं जैसे एक सिंगर रियाज करता है रोज रियाज करता है एक्टर्स रियाज नहीं करते हमें जब कोई प्रोजेक्ट आता है तब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और हम सेट पर पहुँच जाते हैं या ऑडिशन दिया उसके लिए जो तैयारी करते हैं हमें रोल मिल गया तो बस हमने तो किला पता कर लिया कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है बाकी डायरेक्टर संभालेगा और सारा प्रोड्यूसर संभालेगा सब ऐसा नहीं आपको तब भी काम करना है यू अगेन यू कैन डू अ कैरेक्टर स्केच जितना भी आपका है जो आपको रोल दिया गया है उसके बैकग्राउंड को आपको समझना है वो सारे टूल्स हैं व्हिच आई विल टेल यू यू नो एंड ऑल्सो वेन एवर यू फील कि एक करियर में आपका सपोज कर लिए 2-3 महीने का ब्रेक है एक प्रोजेक्ट आपको आपका खत्म हुआ है और दूसरा प्रोजेक्ट अभी मिलने में टाइम है उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें आई नो पीपल गो टू जिम एंड दैट इज फाइन यू नो वर्किंग ऑन योर बॉडी फिजिकली फिट एंड ऑल बट आप ये कहते हैं ना क्रिएटिवली सेटिस्फाइड कैसे होंगे उस टाइम पे कुछ नहीं तो थिएटर ज्वाइन कीजिए यू कैन गो बैक एंड लर्न फ्रॉम समवन डू लॉट ऑफ रीडिंग दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल You have to read a lot. कुछ भी अच्छा कुछ भी जो आपको पसंद है अंग्रेजी में हिंदी में कविताएं हैं शॉर्ट स्टोरीज हैं कुछ भी है पढ़ते रहिए क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें निकल निकल के आती हैं तो 2014 में मेरे पास एक ऐसा वक्त आया था when I felt कि मैं मेरा एक जैसे कहते हैं ना एक्टिंग का मतलब मुझे एक ऐसा क्रिएटिवली मुझे बहुत ड्राइनेस हो रही थी वही सीन रोज ऑफर हुए जा रहे थे तो मुझे नहीं करने थे टीवी में फिल्म ऐसे ऑफर हो नहीं रही थी मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी अगेन टू लर्न ऑन क्लाउड 53 की थी तो वहाँ जो पढ़ा रहे थे वो दलागे इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में इट्स कॉल्ड दलागे इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फिजिकल थिएटर मैंने उनसे पूछा उनसे बातें की मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया मैंने गूगल किया वहाँ पे वो सिर्फ फिजिकल उसमें काम कराते वो टूल्स देते हैं आपको आप एज एन एक्टर आपको फिजिकली हमें लगता है टेलीविजन हम कर रहे हैं तो सब कुछ यहाँ है ऐसा नहीं है आपकी बॉडी में भी वो चीज आएगी तभी वो स्क्रीन पे ट्रांसलेट होगी आई नो कैमरा डज रोल बट आप उसको चलो ठीक है उस वक्त तो आपने कैमरा में काम कर लिया लेकिन अगर आगे पीछे आपके पास कोई ऐसा रोल आए जिसमें आपको पूरी बॉडी का इस्तेमाल करना है आप क्या करोगे उस वक्त से तो नहीं शुरुआत करोगे ना उस वक्त आपके पास साइड में देखो चलो अब मेरे पास रोल आ गया तो हो सकता है कि वो ऑडिशन के लिए जाने की जो कंडीशन ही यही हो कि आपको फिजिकली आप उसमें फिट हो रहे हो या नहीं हो रहे यू हैव दोस यू नो दैट दोस स्किल्स दैट वेदर यू फिट फिजिकली टू दैट रोल एनीवे सो आई रिसर्च ऑन दैट एंड आई थॉट उनकी समर इंटेंसिव वर्कशॉप होती है 1 महीने की और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये कोर्स करना है एज एन एक्टर मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए बट बैंक में पैसे नहीं थे मतलब 3-4 लाख रुपए की जरूरत थी उस वक्त एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट ऑल आई सेड टू माय सेल्फ नेक्स्ट वर्क व्हिच एवर आई गेट इफ आई हैव अ गुड मनी आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू लर्निंग दैट एंड एज लक वुड हैव 2 महीने बाद मुझे एड मिला जिसमें मुझे अच्छा खासा पैसा मिला और मैंने फिर ये नहीं सोचा कि नहीं अब मैं इस पर आराम से यू नो जिंदगी गुजार दूँ या अब मुझे वो नहीं करना आई लुक टू इट दैट I booked my tickets, I joined the course and I went for 2 months to the US. I did that physical workshop in summers in California. And trust me, that was the best time of my life. मैंने इससे पहले अकेले 30 घंटा कभी travel नहीं किया था US में मुझे कुछ पता नहीं था कैसे लोग होंगे वहाँ पे कौन पढ़ा रहा है हाँ थोड़ा बहुत आइडिया था वेबसाइट से बट एक आप सोचो आप एक टोटली डिफरेंट कंट्री में आप जा रहे हो लीविंग योर वर्क हियर व्हेन यू सी के नहीं यार मैं शायद यहाँ 2 महीने रुके शायद कुछ ऑडिशन कर लूँ काम कर लूँ लेकिन नहीं आई थॉट नहीं आई हैव टू गो एंड डू दिस कोर्स आई वेंट देयर मेड अमेजिंग फ्रेंड्स द कोर्स वॉज वंडरफुल मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप
जो मैंने थिएटर में सीखी थी, लेकिन उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके वो जाते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे अच्छी बात उसकी ये थी कि एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप हर हफ्ते आपको एक असाइनमेंट दिया जाता था जिसमें आपको अपना ओरिजिनल वर्क क्रिएट करना है। तो आई एम सेइंग इज कि जब आप खाली होते हैं, जब आपके पास टेलीविजन या फिल्म या वेब सीरीज का काम नहीं है, आप खुद कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब तो इतने सारे एवेन्यूज हैं, यू लाइक 4-5 फ्रेंड्स यू कैन गेट टुगेदर, यू कैन पिक अप अ प्ले और अ शॉर्ट स्टोरी, रिवाइज अ थिंग एंड यू कैन प्रैक्टिस इट। और सो द क्रिएटिविटी डजंट एंड ओनली इन दैट थिंग, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। आप खुद भी अपना काम बहुत क्रिएट कर सकते हैं। So that also really, really helped me as an actor, going there, coming back, having that, you know, the support of also using my body and putting that into effect with that. And then, of course, films on me came in and Dilpe Masiyar, ek film thi wo bhi, television to kaafi kiya, to Meher, which was my landmark show which I did. Again, it was on Doordarshan, which was received very well. वो मुझे बूझ की वजह से मिला था, क्योंकि the creative person had seen me work in that, and that's how I got that role was offered to me. And trust me, वो 2003 में आया था मेरे ख्याल में, 15-16 साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं अगर बी टाउन्स में जाती हूँ, उस वक्त सैटेलाइट सिर्फ शुरू हुआ था, बी टाउन में जब जाती हूँ तो लोग अभी भी मुझे मेहर के नाम से ही जानते हैं। So which was quite a thing for me also, and also why, because I was doing a double role in that, so ek positive aur ek negative, matlab dono ek hi show mein aapko dono pehlu ek role ke karne ka mauka milta hai, which was very great. I have also had very rough patches in my life ki jahan sochta ki yaar acting chhodo, but wo aisa hota nahi hai. Koshish yahi thi ki aap khud ko kaise, एक तो आप खुद को एज एन एक्टर कितना मजबूत करते चले जाओ, दूसरा आप अपना काम क्रिएट करते चले जाओ। कुछ भी है, रीडिंग्स हैं लोगों के साथ बैठकर, कुछ अपना बनाना है, एंड दैट्स व्हाट यू शुड कीप गोइंग। एंड आई एम स्टिल लर्निंग, आई मीन मुझे अभी भी मौका मिलेगा तो मैं कहीं पर भी जाके आई कैन लर्न। अभी मैंने पीछे महेश दतानी है जो थिएटर डायरेक्टर है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे मैंगोबी करके एक प्ले है, इट्स बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ इरोप शर्मिला छानी, आपने शायद सुना होगा, मणिपुर की एक्टिविस्ट रह चुकी है। उन्होंने 16 साल पास किया था टू रिपील आस्पा इन द स्टेट, वहाँ पे एयरफोर्स जो थी वोटिंग हटाने के लिए, तो उनकी उनकी लाइफ पर वो प्ले उन्होंने किया, तो उन्होंने मुझे असिस्ट एज एन असिस्टेंट भी लिया और मैं एक्टिंग ही कर रही थी उसका। तो अगेन फॉर मी दैट वॉज ऑल्सो डिफरेंट थिंग, एंड दिस हैपेंड लास्ट ईयर, सो आई असिस्टेड एंड आई learned the director's point of view, how to direct a play. उसमें music भी है, हमारा live उसमें music भी है, उसमें song, dance, drama सब कुछ है। So that's what was my last work. And lately what I've done is मेरे ख्याल से मैं जब copywriting कर रही थी advertising agency में तो लिखने का शौक था, फिर वो छूट गई आदत, बीच बीच में कुछ कुछ लिखा। Now what I've started doing is I've started writing my own poetry. तो कुछ भी जैसा मुद्दा जो मतलब आपको लगता है कि आप इतना सब कुछ हो रहा है आपके आसपास, ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग अफेक्ट ना हो, लेकिन वो ऐसा थॉट अगर आपको पेपर पे उतारना है तो आप कैसे करेंगे, तो वो भी मैंने करना शुरू किया। सो आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन स्पोकन वर्ड नाउ, और मैंने एक पोएट्री भी लिखी जिसमें विच इज ऑन द बैड साइड ऑफ द सोशल नेटवर्क, और मैं गुमशुदा हूँ कि हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं अपने आप को, हम सोशल नेटवर्क में इतने ज़्यादा भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं, तो वो पुरानी जो यादें हैं उस सबको है उस सबको मैंने उस पर लिखा। सो कभी निकले थे जो भरौंदे की तलाश में, खुले आसमां के तले भटकते थे, चाहती सिर्फ चार दीवारी की, सोचा न था कि जिंदगी कुछ इस कदर बढ़ जाएगी, फेसबुक इंस्टा ट्विटर और स्नैपचैट की दीवारों में कैद हो जाएगी,
मैं आज गुमशुदा हूँ। मेरे घर का पता मालूम हो ना हो, 1000-1200 अजनबी मुझे रोज फॉलो कर रहे हैं। फेसबुक और इंस्टा पे लव लाइक के साथ बिना आवाज हंसी हंसते हैं। स्नैपचैट पे तो फिर भी नजर आ जाते हैं, मगर ट्विटर पे दिल की खूब भड़ास निकालते हैं। आज आपसे आपका कोई पता नहीं पूछता, हर कोई आपको फेसबुक और इंस्टा पे फाइंड नहीं करता। अपना असली पता तो मैं खुद भी भूल गई हूँ, क्योंकि आजकल मैं अपने घरौंदे में नहीं, घरौंदा यानी आजकल मैं अपने घरौंदे में नहीं, 4 से 5 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में रहती हूँ। इसीलिए मैं आज गुमशुदा। अब मेरे घर की घंटी मेरे दोस्त नहीं बजाते, धोबी कुरियर मेंटेनेंस वाले ही दरवाजे पे हैं नजर आते। एक वक्त था जब आमने सामने बैठ नजरों में झांकते थे, चेहरे की उदासी उनकी बनावटी हंसी में भी पड़ जाती थी, चेहरे की उदासी उनकी बनावटी हंसी में भी पड़ जाती थी। मगर आज तो फिल्टर का जमाना है जनाब, दूसरों की प्रोफाइल पिक्स को सिर्फ जूम करके ही काम चलाना है, दूसरों की प्रोफाइल पिक्स को कभी जूम करके ही काम चलाना है। जिन दोस्तों की आवाज सुनने को मुद्दत है हो जाती, उनकी सिर्फ नोटिफिकेशन की बेल न कर पाती, उनकी सिर्फ नोटिफिकेशन की बेल न कर पाती। एक छोटे से कमरे में एक साथ चिपक कर बैठना, एक छोटे से कमरे में एक चिपक के साथ बैठना, यूं ही कभी अंताक्षरी कभी डमशराट का चर्चा है छिड़ना, उन नरम रुई के गद्दों पर कभी शराब कभी सिगरेट की ऐश का छलकना, ऐसा ही तो घर मैंने चाहा। आज ना किसी को घर बुलाने की जरूरत है ना मेहमान नवाजी की, आज तो ये आलम है कि मेरे कुछ दोस्त मेरे घर पर नहीं, वे अक्सर मेरे इनबॉक्स में ही मिल जाया करते हैं। इसीलिए मैं आज बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबके बीच, देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ हर आवाज, हर आहट देख सकती हूँ, हर कॉन्टैक्ट को। आज जो बिजली फिर पता नहीं कब मिल पाऊंगी, फिक्र ना कीजिए, वहीं से अपना स्टेटस अपडेट करती रहूंगी। This was about the current situation, I think, which we all are going through. कि हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ हम लोग सोशल मीडिया पे ही रहते हैं, जो रिलेशन एक वो है। See, as an actor, आप अलग रह के काम नहीं कर सकते, आप अपना काम कर सकते हैं, मतलब अपने ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस एक अच्छा एक्टर होने के लिए और एक इवॉल्व एक्टर होने के लिए आपको इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। आप जब घर से निकले या इवन आप घर पे ही हो, आपकी काम वाली जो आती है काम करने के लिए, हम वही मैं कहती हूँ कि हम इतना ज्यादा मसरूफ और खुद में इतने ज्यादा आजकल कैद है कि हम आस पास की चीजों पर गौर ही नहीं करते। आप किसी से भी सीख सकते हैं, आपकी काम वाली है, आपके घर में कोई भी आता है, कुक है आपके घर में जो आ रही है वो खाना बना रही है, आपके नीचे वॉचमैन है, चौकीदार है, गाड़ी कोई साफ कर रहा है, इतने लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है देखना है। यहाँ तक कि मैं जब बस में सफर करती थी उस टाइम पे दिल्ली में, आई वुड जस्ट ऑब्जर्व पीपल अराउंड विच रियली हेल्प मी लेटर, क्योंकि वहाँ से जो कैरेक्टर्स की आपको बारीकियाँ समझ में आती हैं, कुछ भी, हमेशा एक नोटबुक अपने साथ रखती हूँ, कोई भी छोटी सी डायरी निकाल सकते, कहीं पर भी कुछ भी इंटरेस्टिंग देखे, आप देखोगे कि इतने सारे कैरेक्टर आपकी लाइफ के आसपास घूम रहे हैं, आप कहीं पर भी आपको लगा आपने उसको नोट कर लिया, तो आगे जाके कहीं ना कहीं काम जरूर करता है। तो ऑलवेज हैव दैट कीन ऑब्जर्वेशन टू थिंग्स। आई नो एवरीबॉडी इज ग्लू टू देयर टेलीफोन्स राइट नाउ, व्हिच इज वेरी सैड इंक्लूडिंग मी, बट देन पे देयर इज अ टाइम व्हेन आई जस्ट कीप माय फोन असाइड, आई वांट टू रीड, I want to write,
I want to work upon myself, and that is very important. That is very, very important. कहानी लोगों तक पहुंचाना और भी जरूरी हो गया है। की पीआर के वजह से काफी चर्चित हुआ है एसेट का मुद्दा। कहाँ है मालती? मालती जी, आप अपना चेहरा दिखाइए ताकि पब्लिक को इस हिंसा की गहराई दिख सके। इस रिपोर्ट की मालती अब सिर्फ अपना नया चेहरा देखे सर्जरी के बाद। फोन लड़कों से भरा पड़ा है। इसका केस से क्या कनेक्शन है? पहले बनने तो दीजिए केस मैडम। अब सब कुछ ही रख देगी क्या? नाक नहीं है, कान नहीं है, झुमके कहाँ लटकाते? हम दो साल से फ्रेंड्स हैं। अब बाहर आओगे? लड़ना है? पुलिस के हिसाब से तो आपने बयान दिया था कि मालती आपकी गर्लफ्रेंड है। मैंने ऐसा नहीं बोला। सेशन स्कूल के बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, बहुत साल चलने वाला ये केस। शोर क्या रहता है? अब अटैक उन्हीं लड़कियों पे हुआ जो या तो पढ़ना चाहती थी या पढ़ना चाहती थी। कितना अच्छा होता अगर ऐसे बिकता ही नहीं, मिलता ही नहीं तो बिकता भी नहीं। हो गया भाई इंटरव्यू। अभी बहुत लड़ाई बाकी है, तुम इतनी खुश निकलोगे तो कैसे चलेगा? अब खुश हूँ तो क्या करूँ? दीपिका पादुकोण जो कि इतनी बड़ी सुपरस्टार है, लेकिन शुरू से आखिरी तक हम लोग रीडिंग्स पर भी मिले। और वही कहते हैं ना, जो आपकी रीडिंग करने की आदत है, जो आपने थिएटर में सीखी है, सब कुछ है, वो आपकी फिर से काम आती है। आशुष, आप मतलब मुझे पता नहीं, फिल्म में तो सिर्फ टीवी पे तो सिर्फ सीन्स दिए जाते हैं क्योंकि वो इतनी लंबी कहानी को किसी को पता नहीं है। फिल्म में स्क्रिप्ट दी जाती है और स्क्रिप्ट पढ़नी होती है, बहुत जरूरी है। सिर्फ आपको अपना रोल जानने के लिए नहीं, ये भी जानने के लिए कि फिल्म में हो क्या रहा है, आगे पीछे क्या है, वो सीन्स जिसमें आप नहीं हो फिर भी आपको एक पूरा ग्राफ पता लगता है फिल्म का, कि वो बहुत जरूरी है। इस फिल्म की प्रेप और मेघा गुलजार जैसी डायरेक्टर जो कि एक एक माइनली चीजों को लेती है, फ्रॉम लुक टेस्ट टू रीडिंग्स, हमने दीपिका पादुकोण के साथ रीडिंग की, रिहर्सल्स की हमने, और हम मतलब और अपना होमवर्क बिहाइंड द सीन्स भी किया। जैसे फिल्म अगर आप देखेंगे तो मैं और लॉयर हैं, उनका बहुत ही अच्छा रोल है, और हम लोगों ने बैठ के अपने आपस में ही वर्कशॉप्स की, समझा के, जबकि स्क्रिप्ट में ऐसी कुछ नहीं लिखा था, उनका बैकग्राउंड इतना कुछ नहीं लिखा था, लेकिन हमने एक दूसरे को समझा। हमारे सीन्स थे लेकिन बहुत टॉपिक क्वेश्चन नहीं थे, हमारे ज़्यादा सीन्स मेरी दीपिका के साथ थे, तो हमने वो प्रैप किया जब हमें खाली टाइम मिला, हमारी दिल्ली में शूट हुई थी। It was a beautiful experience. So even though you're part of a big film in a big role, but फिर भी जो अपना homework है, जो अपना काम है अपने ऊपर करना है, वो करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। That is also very very important. So that's what I learned from Chapaak, seeing Meghna Gulzar work, कि इतनी छोटी छोटी details, research, इतनी कमाल की है। मुझे नहीं पता कि कल को जाके मैं director बनूंगी या नहीं। As an actor, मेरे को सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। That's what I keep saying, कि जो आपकी भूख है सीखने की, उसे कभी मत छोड़ना, which is very very important. किसी से भी सीख सकते हैं आप, कहीं से भी सीख सकते हैं, बस जज्बा होना चाहिए और इंटेंशन होनी चाहिए। That's it. Thank you. बहुत सारे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, आपने शायद सुना ही होगा, नवाजुद्दीन है, वाजपेयी है, राजपाल यादव है,
मैं उन स्टार किड्स की बात नहीं करूंगी ऑब्वियसली जो जिनको शायद पहला प्लेटफॉर्म तो उनको मतलब ब्रेक ही मिल जाता है उसके बाद उन्हें प्रूव करना पड़ता है। मोटिवेशन मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो जैसे मैंने कहा ये जो स्पोकन वर्ड और ये जो पोएट्री वगैरह लिखनी शुरू की है वो एक तरह से मोटिवेट करके ही आई है कि मैं एज एन एक्टर खुद को सिर्फ टेलीविजन या फिल्म या स्टेज पे लिमिट नहीं कर सकती। अगर मेरे लायक वहाँ काम नहीं है या मुझे काम नहीं मिल रहा है तो मैं खुद को खुद के लिए काम कैसे जनरेट करूँ। और आप लोग इतने लकी हैं आज के टाइम में कि इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और इतने सारे मीडियम है जहां आप कुछ भी काम डाल सकते हैं। देखिए सक्सेस किसी भी प्रोजेक्ट का आपके हाथ में नहीं है, आप चाहे टेलीविजन सीरियल कर रहे हैं चाहे आप फिल्म कर रहे हैं, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। आप अपना काम करके एज एन एक्टर चले जाएंगे जो भी उसमें जितनी अच्छी कैपेसिटी में आप कर सके वो कितना सक्सेसफुल होगा। सीरियल 4 महीने चलेगा साल चलेगा उसका किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद जब टाइम है आपके पास और जब आप काम नहीं कर रहे हैं उस वक्त आपको खुद को मोटिवेट करते रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने लिखना शुरू किया। मैं ये नहीं कह रही आपको एक अपना एक्टिंग के साथ ही जुड़ा हुआ एक कोई पैशन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो। उसके अलावा हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं तो आप गाने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे मेरा अभी भी मैंने यूकेलेली लेके रखा हुआ है, 6 महीने हो गए हैं, मैंने अभी बजाना सीखा नहीं है लेकिन मुझे सीखना है और ये मैंने सोच लिया है कि मुझे सीखना है। तो वो मैं और वो शायद हो सकता है मैं कभी मुझे जिंदगी में वो शायद स्क्रीन पे काम ना आए कि मैं बजा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतनी अच्छी और दिग्गज को यूकेलेली बजाना नहीं सीखूंगी कि मैं परफॉर्म करने लग जाऊँगी। बट वो मुझे सीखना है एंड दैट्स हाउ आई वांट टू मोटिवेट माई सेल्फ कि वो म्यूजिक, क्योंकि मुझे म्यूजिक सुनना भी बहुत पसंद है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए होगी ऐसी चीजें कि जो आपको मोटिवेट करती हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट हमें जब मिली थी रीडिंग्स हुई थी हमारी तीन, लेकिन सिर्फ वो रीडिंग्स थी तो मेघना मैम ने जो सुर होता है आपका कैरेक्टर को लेके वो बता दिया था कि वो स्पेस में आप हैं, ठीक है। उसके बाद आप घर जाकर उसको कितना पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा ना मैंने सिर्फ अपना रोल ही नहीं पढ़ा, मैंने पूरी स्क्रिप्ट शुरू से आखिरी तक कई बार पढ़ी क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि जिस फिल्म का मैं हिस्सा बनने जा रही हूँ जिस सीन में मैं वो भी नहीं लेकिन उसके आगे पीछे वो क्या है। खैर हम लोग पूरा फिल्म में है क्योंकि मेरा कैरेक्टर और जो रॉय का कैरेक्टर है वो पूरी उसकी जर्नी है दीपिका पादुकोण की एज अ मालकी जो एसिड अटैक सर्वाइवर है, तो हमें वो जानना क्योंकि बहुत टेक्निकल लिखा उसमें कोर्ट केसेस हो रहे हैं उसमें यू नो आईपीसी पीआईएल उसको दर्ज किया जा रहा है टू स्टॉप एसिड अटैक एंड ऑल दैट, उस पर बहुत पड़ा। तो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ना ही जरूरी नहीं था, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे एसिड अटैक सर्वाइवर में, ये फिल्म लक्ष्मी अग्रवाल पे बेस्ड है जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर है, उनके बहुत वीडियोस देखे मैंने। जितना भी मटीरियल उसमें मुझे चलो रोल करना नहीं था लेकिन मेरे मुझे पता तो होना चाहिए ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो सिर्फ स्क्रिप्ट ही पढ़ना जरूरी नहीं है। स्क्रिप्ट तो पढ़ी उसके जितनी भी जुड़ी उसमें जितना रिसर्च मटेरियल मैं कर सकती हूँ क्योंकि दिस वॉज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी। जो फिक्शनल है ना ऑफकोर्स उसमें तो आपको स्क्रिप्ट ही सिर्फ पढ़नी है या आप अपने रेफरेंस देख सकते हो अगर आपका कैरेक्टर किस पे बेस्ड है। या आई फॉरगॉट टू मेंशन नेक्स्ट टू किन इज अ ब्रिटिश सीरीज जो आईटीवी पे ब्रिटिश जो है टेलीविजन नेटवर्क है, जैसा हमारे यहाँ दूरदर्शन है हमारे उनका जो मेन नेशनल टीवी है उस पर आया था। इता शबाना आजमी आर्ची पंजाबी, इट वाज बेस्ड ऑन अ लाइफ ऑफ अ गाय हु कम्स टू इंडिया एक्चुअली ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड ऑल, डॉक्टर होते हैं वो वहाँ गरीबों का इलाज करने के लिए आए थे ना और उनको फिर अटैक करके उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनकी बहन आती है फिर उनको ढूंढने के लिए। तो शबाना आजमी वाज देयर, आर्ची पंजाबी वाज देयर एंड अदर ब्रिटिश कास्ट वाज देयर। सो हाँ, सो नाउ कमिंग बैक टू द प्रोसेस, मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया था तो मैं ऑडिशन करने गई। जो मेरा रोल था मेट्रिन का जो 2 एपिसोड में है, जो जैसे एक मतलब वो पाकिस्तान दिखाया है वहाँ पर बहुत ही छोटा सा हॉस्पिटल है जहाँ की ये मेट्रिन है और वहाँ पे आर्ची पंजाबी अपने भाई की मृत्यु के बाद आती है पूछताछ करने या किसके साथ इलाज किया या क्या करें,
और शबाना की जो उनकी मदर है वो भी आती है। तो मेरे दो एपिसोड थे, उसमें लगभग मेरे कोई पाँच चार या पाँच सीन्स, पाँच या छः सीन्स थे। तो क्या मैंने ऑडिशन किया, मुझे कॉल आया कि आप कन्फर्म हो गए, मुझे खुशी हुई। मैंने कहा चलो ठीक, इंटरनेशनल उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। हमारी शूट लुधियाना में हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान जाके कर नहीं सकते थे, तो वो जो पुराना वहाँ का दिखाया था तो वहाँ हमने शूट की थी। जस्टिन चैडविक उनके डायरेक्टर थे, वेरी गुड डायरेक्टर। उन लोगों का काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, इट्स फैबुलस। मतलब आपकी लुक पे काम होता है, एक कैरेक्टराइजेशन तो खैर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल उस हिसाब से नहीं था, बट एवरीथिंग इज डिसाइडेड एंड टू द टी। मतलब आपको जब कॉल शीट कहते हैं, उनका कॉल शीट आती है जब आपको, तो उसमें आपका एग्जैक्ट टाइम लिखा रहता है कि आपका कॉल टाइम ये है, मेकअप टाइम ये है, सेट टाइम ये है। तो वो एक बहुत ही, और मैंने तो हमेशा टेलीविजन किया था तो आपको पता है, मतलब एक कॉल टाइम आता है आपके पास, उसके बाद सेट पर पहुँचे तो आपको पता ही होता है कि आपका नंबर कब आने वाला है। वेटिंग टाइम तो खैर वहाँ पर भी था इतना नहीं, बट एवरीथिंग इज डिटेल्ड एंड प्लान्ड ऑन द पीस ऑफ पेपर, कि आपका पिकअप होटल से इतने बजे है, आपका अराइवल सेट पर इतने बजे है, फिर आपका ब्रेकफास्ट टाइम है, आपका मेकअप टाइम है, आपका सेट टाइम है। ओके, ऐसे ऐसे करते हो, सबके नंबर्स लिखे हुए हैं, सब कौन कौन क्या है डिटेल आपको वहीं पर आप पढ़ लेते हो और फिर आप जाते हो सेट पे। काम करने का बहुत मज़ा आया। जैसे चैडविक उन डायरेक्टर्स में से हैं जो काफ़ी एक्टर को स्पेस देते हैं अगर कुछ करना है। बहुत सारे बालू शॉर्ट सीन्स भी थे, टेक्निकली बालू द फाइनेस्ट ग्रुप्स आई क्रू आई वर्क विद। जो मैंने सीखा है, ऑब्वियसली जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको पहले तो पता ही होगा, थोड़ा बहुत ब्रीफ भी दिया होगा। अब जो गिवन सिचुएशन है, आपको अगर पूरा फ्रेमवर्क बताया कि ये कैरेक्टर कहाँ से, देन योर होमवर्क प्रॉब्लम कैन स्टार्ट। देन यू सिट एंड यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर दिस कैरेक्टर इज कमिंग फ्रॉम। कमिंग फ्रॉम इन द सेंस कि वो कौन से सोशल बैकग्राउंड से है, क्या इकोनॉमिक उसका स्टेट है, कोई भी कैरेक्टर एक ले लीजिए सपोज, हाँ, तो वो आपको उसके कैरेक्टर स्केच अपने दिमाग में लिखना होगा। फिर मतलब आप लिखिए उसको, फिजिकली लिखिए आप, वो बिकम्स अ प्रोसेस ऑफ योर प्रिपेयरिंग फॉर अ रोल। उसको लिखिए आप जितना माइंड की अच्छे से, उसकी लाइक्स क्या है, उसकी डिसलाइक्स क्या है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट आपको दी गई है कहीं ना कहीं शायद वो उसमें झलके गई, कहीं ना कहीं तो पता लगेगा आपको अगर वो पॉजिटिव कैरेक्टर है या नेगेटिव कैरेक्टर है। चलिए आज वैसे रख लेते हैं, कोई पॉजिटिव कैरेक्टर है, बहुत अच्छा इंसान है, तो उसका बैकग्राउंड आप थोड़ा सा लिखिए, कहाँ से आ रहा है, क्या किया है, बचपन में कैसा घर था, माँ बाप कैसे थे, क्या स्कूलिंग की हुई होगी, है ना, किस किस हालात में से निकल के आया है, क्या पोजीशन है, बिजनेसमैन है या काम करता है, वर्किंग क्लास है, क्या है। तो वो आप अपना बैकग्राउंड अगर आप लिखते जाओगे ना, जितना डिटेल में जितनी आपकी उसके हिसाब से आएगा। और ये नहीं कि एक ही बात लिखना है, आप शायद अगर उस प्रोसेस को शुरू करोगे ना, तो कई बार मेरे लिए तो ऐसे होता था कि मैंने मैक्सिमम मैंने स्क्रिप्ट की प्रिपरेशन अपने बाथरूम में की। सीरियसली आई एम टेलिंग, आई हैव डन माय मैक्सिमम प्रिपरेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स इन द बाथरूम। कभी भी कुछ भी दिमाग में आ गया कि यार हाँ इसका तो ये भी हो सकता है, इसका तो ये भी हो सकता है, तो एक वो आपका खांचा तैयार हो जाता है कैरेक्टर का। फिर आप जिसके साथ आप सीन्स कर रहे हैं उस उन लोगों के साथ आपके रिलेशन क्या है, कौन है, आपके हम उम्र हैं, आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, उनसे आपका रिलेशन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, दोस्ती का है या दुश्मनी का है। अब उस चीज़ को भी आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप एक्चुअली आपके ना दिमाग में एक पूरा जिसे कहते हैं ना एक स्केलेटन को तैयार होगा, उसके ऊपर आप देन यू स्टार्ट एडिंग बोन्स एंड फ्लैश एंड क्लोज टू इट। तो जितना आप सोचोगे ना उतना, एंड अफकोर्स आई एम श्योर कि जो क्रिएटिव्स हैं या जो लोग भी हैं उन्होंने भी आपको जो दिया होगा उसको सोचो। अब आपको अगर स्क्रिप्ट में कोई मैनरिज्म नहीं मिला है, मान लो सपोज यू कैन हैव अ मैनरिज्म इफ यू वांट, बट देन अफकोर्स दैट यू हैव टू चेक विद योर क्रिएटिव्स एंड व्हाटएवर। ऑब्जेक्टिवली जो आप बात कर रहे हो कि मतलब अगर आप खुद को सामने खड़े करके बाहर से देखना चाहते हो उस कैरेक्टर को, तो वो कैसा रहेगा, देन द गुड थिंग इज देन यू रिकॉर्ड योरसेल्फ।
यू रिकॉर्ड योर सेल्फ ऑन योर कैमरा ऑन योर फोन जो सीन है आप रखो आप उसको रिकॉर्ड करो योर बेस्ट एबिलिटी करो और आप देखो और आपको फिर पता लगेगा कि इसमें क्या कमी है क्या कमी नहीं है और उस चीज़ को करते रहो थोड़ा सा तो फिर वो आपको देखने को भी मिलेगा। फिर थिएटर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको ऑडियंस से देर एंड देन आपको जो है फीडबैक मिल जाता है जो कि टेलीविजन और फिल्म में बहुत बाद में होता है। बट अगर आप किसी टेलीविजन शो के लिए कोई रोल प्रिपेयर कर रहे हो आपके पास टाइम है जैसे अगर पहले मान लो आपको स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत पहले मिल गई है अब मुझे पता नहीं स्क्रिप्ट आप उस समय प्रिफर कर रहे हो कि अगर मेकअप रूम में मिली है या नहीं और अगर उस वक्त आप उससे पहले आपके पास स्क्रिप्ट नहीं भी है तो जो मैंने कहा कि कैरेक्टर स्केच लिख लो और उसके बाद कैमरा रखो और मे बी जस्ट डू सम रैंडम सीन या यू नेवर नो व्हाट कम्स आउट ऑफ इट कीप एक्सप्लोरिंग यू विल सरप्राइज योरसेल्फ। हमने कितनी सारी वर्कशॉप या बुक में होता है हम खुद को हमें खुद नहीं समझ में आता हमने क्या कर दिया तो आप कैमरा रखो सामने और करो एंड व्हेन यू रिकॉर्ड इट यू माइट फील दैट यू हैव डन समथिंग समथिंग फिनोमिनल और उसमें और भी फिर यार लगेगा आपको उसमें और भी काम करने की जरूरत है। खाने का बहुत शौक है लेकिन दबाव पे कंट्रोल रखना पड़ता है बहुत सीधी सी बात है और अच्छा खाना श्योर सबको हेल्थ का सबको है और सिर्फ एक फिटनेस की बात नहीं है फिजिकली हाँ मतलब घर का खाना अच्छा खाना खाएंगे सीजन का जो अच्छा खाना है वो खाएंगे और मैं आई एम नॉट अ वेरी जिम पर्सन खाएंगी मैं योगा करती हूँ और मैंने बीच में कलरी पाइटू भी शुरू किया था सीखना विच इज़ द मार्शल आर्ट्स ऑफ केरला एंड अगेन इट्स अ वेरी फैबुलस मार्शल आर्ट्स बिकॉज अगर आपने कलरी पाइटू का वीडियो देखे अगेन आई वुड सजेस्ट यू गाइस शुड डू इफ यू कैन एनी मार्शल आर्ट बिकॉज फिजिकली क्या है ना जिम आई अंडरस्टैंड बट क्या जिम में सिर्फ पंप करने से ना देयर नथिंग एल्स हैपनिंग इन कलरी इन मार्शल आर्ट्स इफ यू लर्न इट विल हेल्प यू फोकस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम सो ग्लैड दैट आपने ये क्वेश्चन उठाया। कोई भी मार्शल आर्ट्स आप सीखिए टाई ची है कलरी पाइटू है एंड कलरी पाइटू मतलब एक एक बॉडी का पार्ट पे काम होता है एंड इट्स बेसिकली इट्स अ वॉरफेयर इट्स अ थिंग और उसमें हर पोस्टर जो है वो एनिमल का पोस्टर है अगर आपने पढ़ा होगा या देखा होगा तो वो आपको सिर्फ एक फिजिकली नहीं बल्कि आपको फोकस करने में भी बहुत मदद करेगा एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने शुरू किया था हम क्लासेस बंद हो गई तो मेरा बीच में छूट गया पर बेसिकली यही है अच्छा खाओ खाने पे ध्यान रखो अपना वेजिटेबल्स जो भी अच्छा आप लोग को लगता है घर का पका हुआ खाना खाओ सेट पे भी कोशिश यही करो कि अपना घर का खाना लेके जाओ जो भी खाना है एंड स्टे हैप्पी एज मच एज यू कैन दैट्स इट।